दो मिनट में बताना इसे बहुत डिफिकल्ट है। मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना लेते हैं, तो जब भी मुझे कोई ये पूछे तो मैं इसका लिंक भेज दूंगा उन्हें, तो मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। तो जब 2017 में मैंने मेरा जॉब क्विट किया था, तब एक ही चीज़ डिसाइडेड थी कि फूड ट्रक स्टार्ट करना है, बट उसके ऊपर क्या मेन्यू रखना है ये कभी डिसाइडेड नहीं था। तो मैंने केम बाया कि नागपुर, मेरे दो क्राइटेरिया थे मेन्यू के लिए। फर्स्ट वॉज कि शेफ़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई वॉज अ गुड कुक, मुझे अच्छा लगता था कुकिंग करना, बट मैं कितना टाइम का कर पाता था। इसीलिए आई वॉन्टेड समथिंग इन द मेन्यू की जो कम्प्लीटली शेफ के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, लाइक इंडियन हो गया जी, जो अगर शेफ चेंज होता है तो तुम्हारी टेस्ट चेंज हो जाती है, तो वो मुझे प्रॉब्लम फेस नहीं करना था। और सेकेंड थिंग वॉज कि मेन्यू जो है वो स्केलेबल होना चाहिए, लाइक स्केलेबल एज इन जैसे अगर मैं कहीं और स्टार्ट करता हूँ तो वो सेम मेन्यू मुझे वहाँ पे सेट करने के लिए ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। तो ये दो क्राइटेरिया थे। तो इसमें ना मोस्टली कॉन्टिनेंटल डिशेज बच जाते हैं, बट उसमें भी थोड़ा शेफ के ऊपर डिपेंडेंसी होता है, और उसमें लाइक तुम्हें इक्विपमेंट्स थोड़े अच्छे लगते रहेंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगी, माइक्रोवेव ओवन लगेगा, तो और अपने पास इलेक्ट्रिसिटी तो है थी नहीं फूड ट्रक में, लाइक इन्वर्टर था बट वो इतना सफिशेंट नहीं था कि एक माइक्रोवेव ओवन उसके ऊपर चले। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए आई केम टू द कंक्लूजन कि वुड फायर्ड पिज़्ज़ा स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगेगी, प्लस शेफ़ के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि जो भी सॉसेस है या फिर टॉपिंग्स है वो सारे मैं स्टैंडर्डाइज घर पे बना सकता हूँ। जैसे कि आपने फर्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो में देखा कि बैक एंड पे मैं सारे टॉपिंग्स बनाता हूँ और फ्रंट एंड पे मेरे शेफ पिज़्ज़ास बनाते हैं, तो उससे अपना फ्रंट एंड काफ़ी आसान हो जाता है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो मेरे सिस्टर के साथ काफ़ी डिस्कस करते रहता था। एक्चुअली ये हम लोग ऐसे ही रात में एक बार डिस्कस कर रहे थे, तो क्या रखे फूड ट्रक पर, तो आई केम अक्रॉस आइडिया ऑफ वुड फायर्ड पिज़्ज़ा, और फिर वहाँ से वो एक क्लिक हुआ कि हाँ पिज़्ज़ा कर सकते हैं।
बट द प्रॉब्लम वॉज मुझे पिज़्ज़ा का पी भी नहीं पता था उससे पहले मैंने कभी लाइक आई वॉजेंट अ ग्रेट पिज़्ज़ा एंथुजियास्ट. आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन पिज़्ज़ा मोर. मैंने एक बुक खरीदी अमेजोन से और ये बुक मैंने पढ़ी. इसमें काफ़ी अच्छे इंसाइट्स है. मैंने जो मेरा जो फर्स्ट डिसेंट पिज़्ज़ा था वो ऐसा दिखता था. इसके पहले भी काफ़ी पिज़्ज़ा बनाए बट वो इतने अच्छे नहीं कि मैं यहाँ पर दिखा सकूँ. सी देर आर लॉट ऑफ वेज ऑफ मेकिंग पिज़्ज़ा. कोई एकदम ऑथेंटिक इटालियन पिज़्ज़ा बनाते हैं, कोई स्ट्रीट स्टाइल में एकदम देसी वाला पिज़्ज़ा बनाते हैं. सो वी वॉन्टेड अ मिक्सचर ऑफ बोथ थिंग. दिस वॉज द फर्स्ट इटरेशन ऑफ द मेन्यू. वेरी बेसिक 7 to 8 वेज पिज़्ज़ा, 5 to 6 नॉन वेज पिज़्ज़ा, सम फ्राइज, मॉकटेल्स. ओके, इट वॉज अ वेरी डिसेंट मेन्यू क्योंकि वी आप एकदम से बहुत सारी चीज़ें नहीं रख सकते हो, फिर उसको मैनेज करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. सो एज वी गॉट मोर एक्सपीरियंस इन द फील्ड, लोगों से काफ़ी सजेशंस आए, देन वी डिसाइडेड टू एड मोर पिज़्ज़ाज. वी यूज़ टू एक्सपेरिमेंट अ लॉट. हम लोग काफ़ी स्पेशल मेन्यूज भी लाते थे. लाइक रेनी सीजन में वी यूज़ टू कीप बारबेक्यू इन द मेन्यू. लाइक वो हमारा रेगुलर मेन्यू नहीं होता था, जस्ट रेनी सीजन में 2-3 months वी यूज़ टू कीप. वो मेन्यू को हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. सो वी डिसाइडेड टू कीप दैट इन अ रेगुलर मेन्यू ऑल्सो. सो ये पूरी जर्नी के बाद आफ्टर 3.5 years हमारा जो मेन्यू है वो ऐसा दिखता है. वी हैव 28 पिज़्ज़ाज. उसके बाद में वी हैव सैंडविचेस, फ्रेंच फ्राइज, तंदूरी मोमोज, स्मोकी बारबेक्यू, मॉकटेल्स, कॉम्बो और भी नई डेजर्ट पिज़्ज़ा. एक्सपेरिमेंट हम करते रहेंगे और भी नई चीज़ें मेन्यू में ऐड होती रहेगी. सो ऑन दैट नोट लेट्स एंड द वीडियो. आई होप यू लाइक दिस. इफ़ यू डिड प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. आई विल सी इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय. Thank you.